Hello, ICSE Class 10 Board Examinations 2022. Students, MCQ based examinations kyo important hain aur ye semester 1 examination aapke liye very important kyo hai? Is video mein aapko students se main clear karunga. Video bahut important rahega. Last tak video ko zarur dekhiye. Aapko kafi help milegi students is video se. Dekhiye, MCQ based help to score the best mark. MCQ jo based paper hai students wo acche se acche marks lane ke liye kafi zyada help karega. Ye aap bhi jante hain. Sirf thoda sa alag tarike se aapko studies karni padegi. मिनिमम 20 मार्क्स हर बच्चे को मिलेंगे चाहे वो कितने भी वीक स्टूडेंट्स क्यों ना हो. ये कैसे मिलेंगे स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि आप पेपर खाली कर दोगे 20 मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स. आपको जो पेपर जिस तरह से आएगा आपको कंप्लीट करना है, तो स्टूडेंट 20 मार्क्स इजीली आप कैसे ला सकते हो ये आपको इस वीडियो में बात बता दूंगा स्टूडेंट्स. गुड और एवरेज स्टूडेंट्स कैन स्कोर अबव 35. जो गुड और एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो 35 के ऊपर आसानी से स्कोर कर सकते हैं. मिनिमम हार्ड वर्क और मैक्सिमम मार्क्स इस मेथड से आपको मिल सकता है. और सेमेस्टर 2 अगर नहीं कंडक्ट होता है तो भी सेमेस्टर 1 से आप बहुत अच्छे से अच्छे परसेंटेज ला सकते हो. तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स हैं इतने इंपॉर्टेंट कि जिसकी वजह से सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए ही जो बच्चों ने PIL फाइल किया स्टूडेंट्स वो ये जानते हैं कि सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है. इसलिए उसने PIL के स्टेटमेंट में कहीं भी ये डिमांड नहीं किया कि एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया जाए. इसलिए स्टूडेंट एग्जामिनेशन कैंसिल करने की डिमांड ना PIL में है और ना ही डिमांड स्टूडेंट्स कर रहे हैं ना पेरेंट्स कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन तो डेफिनेटली कंडक्ट होगा. अब एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा तो स्टडी में करनी है, चाहे किसी मोड से कंडक्ट हो स्टूडेंट्स. देखिए किसी मोड से मतलब ऑनलाइन ही कंडक्ट होगा स्टूडेंट्स. अब हाइब्रिड मोड में जिसको कर देते हैं तो जो ऑफलाइन देना चाहे वो ऑफलाइन देंगे स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे जो भी डिसीजन होगा वो 18 तारीख को हो सकता है कि डिसीजन दे दें या हो सकता है कि नेक्स्ट डेट दें या स्टे ले लें. तो स्टूडेंट कुछ ना कुछ तो उन्हें करना पड़ेगा क्योंकि एग्जामिनेशन काफी नजदीक है. चलते हुए नेक्स्ट पार्ट पे हम कैसे देखो हाउ कैन स्कोर गुड मार्क्स इन MCQ टाइप्स ऑफ पेपर एंड इफ यू नो. देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने इस स्लाइड में अगर आपको पूरे 40 MCQ क्वेश्चंस में मिनिमम 10 क्वेश्चन तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपको अगर आ जाएंगे अगर आपने कंटेंट्स अच्छे से रीड किए हैं तो. अगर कंटेंट क्योंकि स्टूडेंट्स MCQ बेस्ड क्वेश्चन में आपको मगअप तो आंसर करने नहीं है कि नहीं चलो ये डेफिनेशन मगअप करना है. अगर आपने डेफिनेशन अच्छे से रीड किया डेफिनेशन डिपेंड कोई क्वेश्चन आ गया तो आंसर विजिबल है, जस्ट ओनली उसे हमें आइडेंटिफाई करना है. और आइडेंटिफाई कैसे होगा स्टूडेंट्स, अगर हम कंटेंट्स को अच्छे से रीड किए हैं अंडरस्टैंडिंग करके रीड किए हैं. अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए मैं क्या करना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको 40 MCQ में 10 MCQ आते हैं तो 10 मार्क्स तो मेरे हो गए. तो अगर ये 10 मार्क्स हो गए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो बचे हुए MCQ है 30 MCQ, अब उसमें से स्टूडेंट्स देखो मैक्सिमम आंसर जो रहते हैं वो या तो बी चॉइस रहता है या तो सी चॉइस. अगर बी और सी चॉइस को हम चूज करते हुए चलते हैं स्टूडेंट, मान लीजिए मैंने सबको बी चॉइस कर दिया आउट ऑफ 30 में, तो 10 कम से कम एटलीस्ट नहीं 10 तो 7, 8 और 10 हमको आसानी से मिल सकते हैं. मान लीजिए मुझे नहीं आते हैं, मैंने यहाँ पे एक तरह से मतलब जस्ट तुक्का फेंक दिया स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे अगर मैंने बी या सी में से कोई चॉइस चूज करता गया कंटिन्यू और इसमें से 10 करेक्ट हो जाते हैं तो आपके ये 20 मार्क्स MCQ में कहीं नहीं गए हैं. अगर आप बहुत ही मतलब एक एवरेज के बिलो वाले स्टूडेंट्स हो, आपने स्टडीज बिल्कुल नहीं की है, पर अगर स्टडीज बिल्कुल नहीं किए स्टूडेंट्स आप इस समय भी तो स्टार्ट करेंगे, आप यकीन मानिए 20 नहीं 30 टच करके आप मार्क्स ला सकते हो. अगर अभी भी आपने स्टडीज नहीं किए आप कंटेंट्स स्टार्ट तो करो क्योंकि मेन चीज होती है स्टूडेंट स्टार्ट करना. मेन चीज स्टार्ट करना, अगर आपने स्टार्ट कर आज मतलब मॉर्निंग से भी स्टार्ट कर दिया स्टूडेंट ने डेफिनेटली यू कैन स्कोर 30 अबव मार्क्स इजिली इन एवरी MCQ पेपर ऑफ आउट ऑफ 40. क्योंकि आंसर में मगअप करना ही है स्टूडेंट्स, इसलिए ये टेंशन अब जाइए ही मत कि हमें आंसर मगअप करना है. आंसर तो विजिबल आपके सामने रहेगा. देखिए नेक्स्ट में फ्रेंड्स इस स्लाइड में देखिए मैंने क्या लिए, मैंने मार्क्स लिए हैं. मान लीजिए मैं एवरेज के बिलो स्टूडेंट्स हूँ तो मेरे मार्क्स 25 से 30 तक आ रहे हैं. और अगर मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ 30 से 35 मार्क्स लेके आ रहा हूँ मैं MCQ में. अगर मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ तो 35 से 40 के बीच में मार्क्स मैं लेके आ रहा हूँ. अब इंटरनल स्टूडेंट, इंटरनल तो हर किसी के 20 मार्क्स में दे सकता हूँ क्योंकि इंटरनल तो आपके 20 मार्क्स ही मिलेंगे. तो इंटरनल में अगर मैं यहाँ पे 20 मार्क्स, क्योंकि देखो एवरेज के बिलो में हो सकता है यहाँ पे 19 मिले पर मैं इसे भी 20 लेके चल रहा हूँ स्टूडेंट्स. सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन मान लीजिए होता है यानी, क्योंकि सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव बेस रहेगा स्टूडेंट, इसमें इतना ज्यादा आपको स्कोर अगर सब्जेक्टिव बेस होगा तो स्कोर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. और MCQ बेस पे मार्क्स कैसे आते हैं उसके हिसाब से आपका सेमेस्टर 2 का पेपर रहेगा स्टूडेंट.
बच्चों ने कैसा स्कोर किया उसके हिसाब से रहेगा। इसलिए सेमेस्टर टू एग्जामिनेशन में आपके स्कोर के, मैं मान लीजिए ये अगर चलते हैं कि सेमेस्टर टू एग्जामिनेशन नहीं होते हैं तो इसी का डबल हो जाएगा स्टूडेंट्स, डायरेक्टली आपका सेमेस्टर वन का डबल हो जाएगा। तो 25 प्लस 30, जिसके 25 और 30 के बीच में मार्क्स आए हैं तो स्टूडेंट्स वो हो जाएंगे 50 से 60 के बीच में, और 50 60 के बीच में हो गए तो स्टूडेंट 50 प्लस 20 मतलब कि मेरे परसेंटेज क्या हो सकते हैं 70 से 80% के बीच में हो सकते हैं। किसके, जो बच्चे एवरेज के नीचे हैं, मतलब ये बच्चे जो वीक स्टूडेंट्स अपने आपको बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं किसी को वीक नहीं बोलता हूँ, हर बच्चे में वो काबिलियत होती है कि वो एक एवरेज परसेंटेज से 90% के ऊपर मार्क्स ला सकते हैं। स्टूडेंट्स ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो 50 लो परसेंटेज रहते हैं, 52% वाले 93-94% लाए हैं स्टूडेंट, जिसके 9th स्टैंडर्ड में 52-53% थे। तो ये चीज नोट रखिए, क्योंकि 9th और 10th में बहुत फर्क होता है स्टूडेंट्स, लास्ट मोमेंट पे कौन सा बच्चा कब उसका दिमाग खुल जाए, कब वो स्टडी करना स्टार्ट कर दे, और कब आपके पास स्पीड से आपके दिमाग में हर चीज, क्योंकि एक बार स्टूडेंट आपके दिमाग में रिकॉल और स्टोर होना स्टार्ट हो गया ना तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट में एवरेज स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए सेमेस्टर टू नहीं कंडक्ट होता है तो यहाँ पे 30 और 35 आपका हो जाएगा 60 और 70, और 60 और 70 मतलब 20 ऐड कर देंगे तो 80 से 90% तक जा सकते हैं एवरेज वाले स्टूडेंट्स अगर सेमेस्टर टू कंडक्ट नहीं हुआ। और सेम ऐसे ही जो गुड स्टूडेंट्स हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स, उन लोगों के जो परसेंटेज हैं वो 70 प्लस 20 मतलब 90 से लेके 100% तो नहीं बोलूंगा स्टूडेंट, 99 तक डेफिनेटली स्कोर कर सकते हैं। सिर्फ इसलिए ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है जिसको कैंसिल नहीं होना चाहिए, और स्टूडेंट नहीं होगा क्योंकि जस्टिस खानविलकर और जस्टिस रवि कुमार, सीटी रवि कुमार स्टूडेंट्स जस्टिस हैं, डेफिनेटली उन्हें ये पता है कि एग्जामिनेशन कितना इंपॉर्टेंट रहेगा और कैसे कंडक्ट करवाना है और इसका इफेक्ट पड़ेगा। स्टूडेंट देखिए, अगर मेरा ये स्लाइड आपको समझ में आया स्टूडेंट, डेफिनेटली आप मुझे बताइए आपके कुछ और भी डाउट्स रहेंगे, क्योंकि ये कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किए थे कि सर हमें कुछ ऐसे बताइए कि हम कैसे स्कोर करें, कैसे स्टडीज करें। तो आपको एक चीज और स्टूडेंट्स, हमें कैसे स्टडीज करना है, देखिए मिनिमम वर्क से मैक्सिमम मार्क कैसे हम लेके आए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आपको जितने भी कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स चैप्टर्स के उनको आपको अंडरस्टैंडिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर फिजिक्स में साउंड चैप्टर लेके चल रहा हूँ, साउंड में क्या पढ़ना है हमें, इको पढ़ना है, इको क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ साउंड होता है, इको के फैक्टर्स क्या है, इको के फैक्टर्स में स्टूडेंट 1/10 सेकंड में साउंड अगर रिपीट होगा तो फर्स्ट फैक्टर है, 70 मीटर डिस्टेंस रहना चाहिए सेकंड फैक्टर है, आपका ऑप्टिकल का साइज जो है वेवलेंथ से बड़ा होना चाहिए, और इंटेंसिटी ऑफ साउंड आपकी उस लेवल तक होनी चाहिए कि जिससे आपके, तो स्टूडेंट ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। मैं खुद भी स्टूडेंट्स आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के हर टॉपिक के कंटेंट्स के बेसिक मैं स्टूडेंट सिखा सकता हूं, पर क्या है कि स्टूडेंट्स देखिए इसमें आप मुझे अगर भेजेंगे कि हाँ सर ये टॉपिक हमारा है और मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट के डेफिनेटली मुझे कमेंट आ गए तो मैं डेफिनेटली उस टॉपिक के ऊपर आपको एक शॉर्ट मतलब कि एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, जिससे क्या होगा कॉन्सेप्ट को समझ आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप आंसर ढूंढ सकते हो स्टूडेंट्स। एमसीक्यू को आप स्टडी करने से बेटर है आप जो टॉपिक है उसको अंडरस्टूड कीजिए, टॉपिक अंडरस्टूड करेंगे स्टूडेंट डेफिनेटली आपका एमसीक्यू उधर से ही रहेगा। और हाँ, फिजिक्स न्यूमेरिकल के एमसीक्यू स्टूडेंट मैं आपको बना के कल पर 2 दिन आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए आंसर इज विजिबल जस्ट आइडेंटिफाई, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि आंसर तो विजिबल है। अब जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अगर मुझे मालूम है जैसे मैंने अगर मान लीजिए मैंने डिफाइन पढ़ लिया है इसका मोमेंट ऑफ फोर्स टर्निंग इफेक्ट का, अब उसकी यूनिट है न्यूटन मीटर, तो स्टूडेंट उसमें कितने भी यूनिट दे रखे, न्यूटन पर मीटर दिया है, न्यूटन ओनली न्यूटन दिया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर दिया है, अब मुझे मालूम है कि हाँ इसका डेफिनेशन फैक्टर और न्यूटन मीटर है, तो मैं यहाँ पे अगर मैंने इसको स्टडी किया है तो डेफिनेटली वो मेरे सामने आएगा तो मैं तुरंत पहचान दूंगा हाँ भाई ये है, क्योंकि मैंने आइडेंटिफाई किया है। तो स्टूडेंट ये जेई और नीट के एग्जामिनेशन नहीं है कि आपके इतने कॉम्पिटिशन बेस्ड के एमसीक्यू प्रिपेयर होकर एग्जाम में आने वाले हैं, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन है और आपके जो एमसीक्यू है आपके टॉपिक से रिलेटेड आएंगे स्टूडेंट। ऐसा नहीं कि जेई में टॉपिक से जेई में टॉपिक आता है पर उनके बियॉन्ड बुक से, कौन से बुक से कैसा आएगा, आपके जो कंटेंट्स है उससे बियॉन्ड नहीं आने वाले हैं, इसलिए आप अपने कंटेंट्स को अच्छे से अंडरस्टूड कर लीजिए स्टूडेंट, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे।
डर नाम की चीज निकाल दीजिए। आप जो चाहते थे एमसीक्यू बेस्ड, मतलब आप जो चाहते थे ऑनलाइन बोर्ड से एग्जाम कंडक्ट होने के लिए स्टूडेंट्स, वो भी हो जाएगा, पर आप अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। ओके 100% स्टूडेंट्स आपके साथ में, ऐसा नहीं कि आपके 80% के ऊपर पेरेंट्स स्टूडेंट्स आपके साथ में है, और कोड भी आपके साथ में स्टूडेंट। अगर कोड आपके साथ में नहीं होता तो पहले दिन केस को वो लोग साइड कर देते, बोलते ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स। केस को आगे डेट देने का मतलब है कि डेफिनेटली उस केस में सुनवाई होगी और आगे जाके मतलब उसका रिजल्ट आएगा। इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपका एग्जामिनेशन है या तो हाइब्रिड या तो ऑनलाइन, थोड़ा सा हो सकता है इसे आगे बढ़ा के करेंगे स्टूडेंट, पर एग्जामिनेशन कंडक्ट करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जिस टॉपिक्स पे जिस कंटेंट्स पे मुझे मिससे वीडियो चाहिए डेफिनेटली आप मुझे कमेंट भेजिए, मैं 110% आपको वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।